बाल दिवस पर निबंध प्रस्तावना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बच्चे देश के उज्जवल भविष्य हैं। बच्चों से ढेर सारे प्यार और लगाव के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री होने के साथ साथ बच्चों के सच्चे साथी भी थे। उन्हें बच्चों से बेहद लगाव था। वो हमेशा उन्हें दिल के पास रखते थे। सामान्यतः बच्चों के द्वारा उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता था। अतः पंडित नेहरू को आदर और सम्मान देने के लिए हर वर्ष 14 नवंबर को पूरे भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। चाचा नेहरू बच्चे व बाल दिवस। भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अपने व्यस्त जीवन के बावजूद भी पंडित नेहरू बच्चों से बेहद लगाव रखते थे। वो उनके साथ रहना और खेलना बहुत
पसंद करते थे। चाचा नेहरू को श्रद्धांजलि देने के लिए 1956 से उनके जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेहरू जी कहते थे कि बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए ये जरूरी है कि उन्हें प्यार और देखभाल मिले, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, देश और बच्चों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने और किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए बाल दिवस सभी के लिए एक आह्वान स्वरूप है। बच्चों का मन बहुत ही निर्मल और कमजोर होता है और उनके सामने हुई हर छोटी चीज या बात उनके दिमाग पर असर डालती है। उनका आज देश के आने वाले कल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए
उनके क्रियाकलापों, उन्हें दिए जाने वाले ज्ञान और संस्कारों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। बच्चों को सही शिक्षा, पोषण, संस्कार मिले, यह हमारे देश के हित के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं। जो भी हो वह कार्य के प्रति समर्पित हो, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। निष्कर्ष: हमारे देश में बच्चों को बहुत कम आय पर कड़ा श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें आधुनिक शिक्षा नहीं मिल पाती, इसलिए वो पिछड़े ही रह जाते हैं। हमें उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है, जो मुमकिन है। जब सभी भारतीय अपनी जिम्मेदारियों को समझें,
बच्चे देश का भविष्य हैं तथा बहुत ही कीमती हैं। ये हमारे कल की उम्मीद हैं। बाल दिवस उत्सव बच्चों के भविष्य के विषय में एक अच्छा कदम है। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।